और लॉन्डो क्या है तुम सभी के होप्स होके सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो यार देखो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम BGMI को कहां से जाके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हो। यार देखो जैसे तुम्हें पता ही होगा ये एक मोबाइल गेम है, तुम इस गेम को अपने मोबाइल में तो एकदम इजी स्टेप में डाउनलोड कर लेते हो ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से। लेकिन जब बात आता है डेस्कटॉप या लैपटॉप का तो यार वहां पे तुम नॉर्मली इसे डाउनलोड नहीं कर सकते, तुम्हें डाउनलोड करने के लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि तुम स्टीम हो गया एपिक लॉन्चर के थ्रू तो यार नॉर्मली PC गेम्स डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन यार जब बात आता है मोबाइल गेम का तो वहां पे तुम इस गेम को नॉर्मली डाउनलोड नहीं कर सकते। तो बस हम लोग आज यही बात करने वाले हैं कि तुम कोई भी मोबाइल गेम जो कि तुम मोबाइल में खेलते हो या फिर BGMI क्यों नहीं हो, फ्री फायर क्यों नहीं हो, अपने डेस्कटॉप पे तुम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यार वीडियो बने रहो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को मार के सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते फटाफट अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो यार देखो यहाँ पे अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें BGMI डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यार देखो बेसिकली ऐसे दो सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं तुम्हें एक सॉफ्टवेयर के लिए बता रहा हूँ जो मेरे को पर्सनली पसंद है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम है BlueStacks, जिसके थ्रू तुम अपने PC या लैपटॉप में कोई भी मोबाइल गेम्स इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आने का तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है। तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है BlueStacks। बस यहाँ पे तुम यहाँ पे आके BlueStacks सर्च करना, मैं जैसे कर रहा हूँ। अरे भाई क्या हो गया ये। तो यहाँ पे मैं जैसे BlueStacks सर्च करता हूँ, हो जा भाई। हाँ तो यहाँ पे मैं जैसे BlueStacks सर्च करता हूँ, यहाँ पे तुम देख सकते हो BlueStacks बेस्ट मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म फॉर PC एंड Mac। यहाँ पे तुम देख रहे हो, इस पे आके नॉर्मली तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो डाउनलोड BlueStacks 10 लिखा हुआ है। आगे नॉर्मली तुम्हें सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है। तो यार देखो जैसे तुम इसे डाउनलोड कर लोगे तो ये बेसिकली एक गेम लॉन्चर बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो। इसके थ्रू तुम अपने फोन का कोई भी ऐप कोई भी गेम अपने डेस्कटॉप पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वो गेम हो या फिर कोई ऐप हो। मतलब जैसे तुम बेसिकली ये बोल सकते हो तुम अपने फोन का प्ले स्टोर अपने PC के अंदर डाल दियो, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपके फोन के आपके एंड्रॉयड फोन के अंदर जो ऐप स्टोर होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। तो इसे जैसे तुम डाउनलोड कर लोगे तो इसे तुम्हें नॉर्मली ओपन करना है। ये देख सकते हो BlueStacks 5, तो मैं इसे नॉर्मली ओपन करता हूँ। ओपन करोगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, से ओपन हो जाने देते हैं। तो यार देखो ओपन हो जाने के बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यार देखो बेसिकली यहाँ पे जो BGMI का ऑप्शन आ रहा है ये तुम्हारे सबसे पहले नहीं आएगा, ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पे तुम्हें स्टोर है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ऐप स्टोर जो तुम्हारे फोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, यहाँ पे ऐप स्टोर आ गया। तो इसे नॉर्मली तुम्हें ओपन करना है। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें कोई भी मोबाइल ऐप या कोई भी मोबाइल गेम डाउनलोड करना है तो इस पर आना है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है उस ऐप का नाम या उस गेम का नाम। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ BGMI, एंटर मारता हूँ। एंटर मारने के बाद देखो यार मैं इससे ऐप स्टोर में लॉगिन कर चुका हूँ तो यहाँ पे इसलिए लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तुम जैसे इसे लॉगिन करोगे मतलब ओपन करोगे, इसमें सर्च करोगे BGMI और BGMI पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले बोला जाएगा जीमेल डाल के लॉगिन करने। तो अपना जीमेल डाल के इसे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करोगे तुम नॉर्मली इस पर क्लिक करके BGMI पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। जैसे तुम अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा गेम ओपन हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ। तो यार देखो यहाँ पे मैं जैसे BGMI पे क्लिक करूंगा तो मेरा गेम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरा गेम रन होना स्टार्ट हो गया है। तो यार देखो मैंने गेम डाउनलोड करके रखा था इसलिए मेरे को डाउनलोड करना नहीं पड़ा है, इसलिए ये मत बोला कि तुमने तो डाउनलोड नहीं किया ऑटोमेटिकली गेम ओपन हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने वीडियो बनाने से पहले गेम डाउनलोड किया था, अभी उसके अंदर का मैंने डाउनलोड नहीं किया इसलिए देखो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। तो ऐसे ही तुम आगे यहाँ से BGMI नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो और ये गेम खेल सकते हो। और बात आए इसके कंट्रोल्स के बारे में तो इसे कंट्रोल को तुम यहाँ से आके खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। यार देखो अगर तुम बोलोगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यार तुम समझ गए कि कैसे क्या करना है, इस गेम को कैसे अपने PC में आके नॉर्मली डाउनलोड करना है। बस तुम्हें अपना क्रोम ब्राउजर पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है BlueStacks। सर्च करने के बाद BlueStacks को डाउनलोड करना है, वहाँ पे उसे ओपन करने के बाद ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर ओपन करने के बाद तो वहाँ पे नॉर्मली ऐप स्टोर पे साइन अप करना है अपना जीमेल वगैरह डाल के। उसके बाद जैसे तुम अपने फ़ोन में कोई भी ऐप या कोई भी गेम डाउनलोड करते हो जाना है उसे नॉर्मली डाउनलोड करके उस गेम का मजा उठा सकते हो यार। तो बस यार जो जैसे था तुम्हें मैंने बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, होप्स तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा। और यार देखो तुम कमेंट करिए जरूर से बताना नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो बनाने का। तो चलो तुमसे मिलते हैं कौन इंटरेस्ट डायनेटो के साथ। ध्यान रखो, टेक केयर, सी यू सून।